उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक ईंट भट्टा मजदूर के खाते में 31 अरब रुपए आ गए। यह जानकर मजदूर को भी विश्वास नहीं हुआ। वह इतना खुश हुआ कि उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया। पत्नी भी गहने और गाड़ी बंगला खरीदने के सपने देखने लगी। खुशी इतनी थी कि मजदूर और उसके परिजन रात भर सो भी नहीं सके। मजदूर सोमवार सुबह बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट चेक कराने पहुंचा तो उसकी खुशी मायूसी में बदल गई। उसे पता चला कि उसके खाते से वह रुपए वापस हो गए हैं। अब उसके अकाउंट में महज 129 रुपए ही बाकी रह गए हैं। दरअसल यह मामला छिबरमऊ के कमालपुर गांव का है। यहां रहने वाले 45 साल के बिहारी लाल राजस्थान के एक ईंट भट्टे पर ईंट पथाई का काम करते हैं। वह एक दिन में 700 रुपए और महीने में 20,000 के करीब रुपए कमा लेते हैं। बारिश में ईंट पथाई का काम बंद हो जाता है, इसलिए वह इस समय अपने गांव लौट आए हैं। बिहारी लाल ने बताया कि रविवार को मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, बैंक बंद था, इसलिए गांव में ही बैंक मित्र के पास रुपए निकालने वह पहुंचा। वहां बैंक मित्र ने मेरा खाता चेक किया तो उसकी बोलती बंद हो गई। कम से कम 3 बार उसने मेरा खाता चेक किया और फिर उसने बताया कि मेरे खाते में 31 अरब रुपए आ गए हैं। सुनकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। उसने बैंक की स्लिप स्टेटमेंट निकाल कर दिया। मैंने उसी समय 10,000 रुपए भी निकालने को कहे तो पैसे नहीं निकले। फिर भी मैं इतना खुश हो गया कि मैंने पूरे गांव में यह बात बता दी। उस समय मैं शराब पिए हुए था। सोमवार को जब मैं बैंक गया तो वहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैंने खाता चेक नहीं किया। शाम को जब मैं फिर से बैंक मित्र के पास गया तो उसने बताया कि वह सभी रुपये अब वापस हो गए हैं। अब मेरे बैंक में कुछ भी नहीं बचा है। अकाउंट में 31 अरब रुपये आने के सवाल पर बिहारी लाल की पत्नी सरिता ने हंसते हुए और अपने दुख को छिपाते हुए बताया कि जब उन्हें पता चला कि इतने रुपये आ गए हैं तो मेरे दिमाग में बस यही बात आई थी कि अब मैं अपना एक अच्छा सा घर खरीदूंगी, बेटी सियानी हो गई है उसके अच्छी शादी कर दूंगी और बेटे को कुछ काम धंधा करवा दूंगी। अगले दिन यह सपना टूट गया। मेरे पति बिहारी लाल पिछले 20 साल से मजदूरी करने राजस्थान जाते हैं। उन्हें खाने पीने की भी आदत है। 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कुछ नहीं करता, कभी कभी तो खाना भी ढंग से हमें नसीब नहीं होता है। यही वजह है कि मैंने सपने संजो लिए थे। खाते में 31 अरब रुपए आने के बाद बिहारी लाल का खाता सीज कर दिया गया है। अब उससे रह रहकर रुपए भी कट रहे हैं। बिहारी लाल कहती है कि मेरे खाते में रुपए आए थे, उसमें से कुछ हमें दे देते तो हम गरीबों का कुछ भला हो जाता। अब यह बात मैं बैंक अधिकारियों से पूछूंगा। फिलहाल अब यह परिवार पैसे वापस लौटने से सदमे में है और यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो हमने भी देखे, हमें शायद खेती वाले आए गए तो हमें निकाल नहीं था उखाड़े और रुपये। सुबह में देखे जाए तो रुपये आई। शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिमॉन्डिंग, कैरेटीन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर। एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है DM रोड, विवेकानंद स्कूल, नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।